गाइडेंस नोट, मैं क्या दिखा रहा हूँ, गाइडेंस नोट। तो हमने गाइडेंस नोट पढ़ा था सबसे पहली क्लास में, कितने लोगों को याद है गाइडेंस नोट? गाइडेंस नोट के बारे में बताया था कि हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट इश्यू किया हुआ है। गाइडेंस नोट ये कहता है कि आप जो बैलेंस शीट बनाओगे नए फॉर्मेट में बनाओगे, तो हम गाइडेंस नोट के हिसाब से ही बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। चलो अब एडवांस टैक्स हमने कर लिया, गाइडेंस नोट हमने पढ़ लिया, अब मुद्दे की बात पर आ जाओ सर, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे फाइनल करें? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल करने से पहले कुछ बातें मेरी समझ लो। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी ये है कंपनी का, लेकिन ये फाइनल नहीं है अभी, आज हम इसे फाइनल करके देखेंगे। तो बैलेंस शीट हमने पूरा कर लिया था, बैलेंस शीट में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जा रहे हैं, तो पहली चीज आ रही है प्रॉफिट, आ रहा है हमारा 16.5 लाख रुपए का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी लगभग 75 लाख रुपए की सेल आ रही है, और उसमें 77 लाख की सेल है, और उसमें 16.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब पहली मुद्दा ये समझो, जब भी कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई देगा, तो आपको एक चीज समझनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना रखना है। तो प्रॉफिट जब भी हम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की मर्जी होती है, उस व्यक्ति का नाम होता है एसएससी, जिसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, वो कहता है भाई साहब मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वो बाकी सारी बातें अलग है कि भाई कितना होना चाहिए कितना नहीं, लेकिन जो मर्जी देखी गई है वो देखी गई है क्लाइंट की। लेकिन क्लाइंट की मर्जी देखने के साथ साथ आपको इस चीज को समझना है कि भाई अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि मेरे को प्रॉफिट इतना चाहिए, तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है साइन कर रहे हैं, या आप एडवोकेट हैं, अकाउंटेंट है, किसी सीए से साइन करा रहे हैं, तो आपको दोनों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपने आप को सेफ करके चले। सर सेफ कैसे करना है हमें अपने आप को? भाई सेफ आपको इसी तरीके से करना है, जिस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप साइन कर रहे हैं, कल को आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठे। क्वेश्चन कैसे ना उठे कि भाई आपने इसके अंदर, भाई सिंपल सी बात है, जब प्रॉफिट कम करेंगे तो प्रॉफिट कम करने के लिए कुछ ना कुछ बोकस एक्सपेंसेस डालेंगे, कुछ ना कुछ फेक एक्सपेंसेस डालेंगे, ठीक है ना कुछ मैनुपुलेशंस करेंगे। तो उस मैनुपुलेशंस में आपके ऊपर कोई आंच ना आ जाए कि भाई तुमने इन खर्चों को वेरीफाई क्यों नहीं करा। तो सर अगर हम बात करें कि खर्चों में क्या क्या वेरीफाई करना होता है, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि खर्चों में क्या क्या वेरीफाई करना है, फिर हम इनकम साइड पर आएंगे। तो पहले खर्चों की बात कर लेते हैं। तो पहला जो खर्चा होता है, पहला खर्चा किसी भी पीएनएल अकाउंट में होता है सैलरी का। किसका खर्चा होता है? सैलरी। अब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर कि भाई तुम लोग, ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास अमूमन एक एम्प्लॉई, दो एम्प्लॉई, चार एम्प्लॉई होते ही होते हैं। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? तो आपको एक दो चार एम्प्लॉई हमेशा दिखाई देंगे। तो जब भी आपको एक दो चार एम्प्लॉई दिखाई देते हैं, आपने सैलरी का खर्चा डाल दिया। तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए अकाउंटेंट, एज ए एडवोकेट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको इसमें क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको एक सैलरी रजिस्टर चाहिए, आपको अपने एक्सेल में एक सैलरी रजिस्टर चाहिए। उस सैलरी रजिस्टर में क्या क्या चीजें आएंगी नोट कर सकते हो। उस सैलरी रजिस्टर में आपका, ये आप इसे एक्सेल में बना लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसे एक्सेल में बना लीजिएगा, ठीक है, या किसी सैलरी रजिस्टर मार्केट से आते हैं वहां बना लीजिएगा, ठीक है ना। सैलरी रजिस्टर जो आपका होगा, इसे ऐसे रखना है हमारे को कि यहाँ पर तो आपका सीरियल नंबर आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद आपकी पोस्ट आ जाएगी या डेजिग्नेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जितने भी एम्प्लॉई आए उनके नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, अमाउंट आ गया, साथ में डीओजी आ जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सर इस सैलरी रजिस्टर से होगा क्या, ठीक है ना, इस सैलरी रजिस्टर से होगा क्या? सर प्रोप्राइटर सैलरी अपने बिजनेस से ले सकता है क्या? अभी बात करते हैं, प्रोप्राइटर ले सकता है यानी आनंद कुमार मौर्य जी, ठीक है। एक आ जाएगा डेट ऑफ रिजाइनिंग अगर डालना चाहे तो। सर ये सैलरी रजिस्टर क्यों बनवा रहे हैं? जब भी कभी आपकी असेसमेंट होती है, जब भी कभी आपकी असेसमेंट होती है, तो वो सबसे पहले सैलरी के खर्चे को
वो सैलरी के खर्चे को क्या कहता है कि भाई मेरे को सैलरी रजिस्टर लेके आओ, और यहाँ पर ठीक है ना, अगर आपने एक्सेल में निकाला है तो यहाँ पर उसके सिग्नेचर का भी एक कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है, सिग्नेचर का भी एक कॉलम बना लीजिएगा और इसे हर महीने प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो जब आप ये देखेंगे कि भाई ये सैलरी रजिस्टर आपका जो बना हुआ है, इसमें लेट सपोज करो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामलाल, रामलाल जो है मैनेजर की पोस्ट पर है, और रामलाल जो सैलरी लेता है पूरे साल में 9 लाख रुपए की सैलरी लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रामलाल की सैलरी है 9 लाख रुपए की, तो सबसे पहले आप जब पूरे सैलरी को, जैसे हमने पीएनएल अकाउंट में देखा कि हमारे पीएनएल अकाउंट में सैलरी डली हुई है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख, कोई भी अमाउंट सैलरी का हो सकता है, तो आपको सैलरी के अंदर 2-3 चीजें आपको चेक करनी है कि ये जो सैलरी अगर आपकी है ये क्या ESI, PF, TDS क्या इनका कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं। सर क्या मतलब भैया, 3 कंप्लाइंस आपको सैलरी में देखने होते हैं। पहला कंप्लाइंस होता है TDS को, भाई ये चीज याद रखना कि सैलरी के केस में सर ये TDS क्या बोला है। आज हम जब एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे को थोड़ा बहुत TDS के बारे में समझना होगा। TDS के बारे में कंसेप्ट जब मैं समझाता हूँ डिटेल्ड में, तो TDS के कंसेप्ट को ऐसा समझिएगा कि बहुत सारे लोग इस TDS के कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं, लेकिन जो लोग इग्नोर करते हैं जब वो CA के पास बैलेंस शीट साइन कराने जाते हैं तो वो कहता है CA, ठीक है ना, वो CA कहते हैं कि भाई आपने इस खर्चे पर TDS नहीं काटा, और अगर आपने इस खर्चे पर TDS नहीं काटा तो ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर अगर 9 लाख रुपए की सैलरी डाली है तो इसमें से कितना खर्चा डिसअलाउड होगा। तो भाई पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में पूरा का पूरा 9 लाख रुपए खर्चा डिसअलाउ हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा इतना अन्याय नहीं करेंगे, अगर किसी ने TDS नहीं काटा तो 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। अब कुछ महानुभव मुझे ये बोलेंगे कि सर डिसअलाउड होने के बाद ये अलाउड भी बाद में हो जाता है, लेकिन भाई अपने को ना उस रास्ते पर नहीं जाना, अपने पे उतना टाइम है ही नहीं, अपने पे इतना टाइम है कि हम कोशिश करें कि हमारा डिसअलाउड ही ना हो। तो अगर आपने किसी खर्चे पे TDS नहीं काटा तो उसका 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाता है, मतलब कि अगर मैं 9 लाख की बात करूं तो 30% 2,70,000 रुपए। तो भाई ये TDS क्या बोला है, जरा इस चीज को समझ लीजिए कि होता क्या है। वैसे आप सब लोगों को TDS पता है, हम TDS में बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर TDS की। तो इनकम टैक्स में जो हमारा TDS होता है वो किस चीज की चर्चा की बात करता है, वो ये क्या कहता है, उसे जरा ध्यान से समझिएगा। वो ये कहता है कि लेट सपोज टाटा कंपनी है, ठीक है ना, टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयियों को सैलरी दे रही है, टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयी को सैलरी दे रही है, तो हो सकता है किसी की सैलरी 10 लाख है, किसी की सैलरी 5 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 20 लाख है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई मैं मिस्टर ABCD को नहीं पकड़ूंगी, मुझे क्या करना है कि भाई मुझे ये चाहती हूँ कि जब ये सैलरी लेकर जा रहे हैं अपने घर पर, जब ये लोग सैलरी लेकर अपने घर पर जा रहे हैं, तो आप क्या करो, 1 लाख रुपए अगर आप इन्हें महीने की सैलरी दे रहे हो तो आप इनकी सैलरी कैलकुलेट कर लो कि साल में कितनी सैलरी बनी, और आप उस पर टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लो, और जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनी, जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनी, अगर आपको लगता है कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ है तो उस पर TDS काट कर डिपॉजिट कर दो, इस पर TDS काट कर डिपॉजिट कर दो, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को क्या गलत फहमी है कि सर हम पे तो TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होते, ठीक है, तो हम TDS क्यों काटे। तो भाई यहाँ पर एक नोट डालकर लिखो, यहाँ पर एक नोट डालकर लिखो कि सैलरी के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का TDS बनता है तो वहां पर कोई भी लिमिट्स चेक नहीं की जाती, ठीक है, कि आपके पास 10 नंबर है नहीं है, ठीक है, आपको TDS काट कर जमा करना होता है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप में से कितने लोगों ने YouTube वाला क्वेश्चन पढ़ा कम्युनिटी शेयर का। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन में मैंने लिखा था, ठीक है ना, हाँ, मिस्टर जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना, जिनकी 30 लाख रुपए की टर्नओवर है और उन्होंने, ठीक है ना, 16 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट है, और उन्होंने किसी को, ठीक है ना, 9 लाख रुपए की सैलरी दी। तो अब ये था कि वो जो सैलरी थी क्या उस पर TDS कटेगा, तो 34% लोगों ने गलत जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ 66% लोगों ने सही जवाब दिया, 34% लोगों ने गलत जवाब दिया। तो यहां पर नोट करके लिखो
यहाँ पर नोट करके ये लिखो कि अगर आपको, ठीक है, आपने किसी को सैलरी दी है और उस सैलरी पर उस व्यक्ति को टैक्स देना बनता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए एम्प्लॉयर कि आप उस पर टीडीएस काटकर जमा करो। चाहे पिछले साल में तुम्हारी टर्नओवर 10 लाख थी, 10 करोड़ थी, 10 रुपए थी, उससे मैटर नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि टीडीएस के जो कंप्लाइंसेज है, सबसे पहले सैलरी के चैप्टर में ये जरूर आपको चेक करने हैं। आपको टीडीएस काटने की मैंडेटरी है, तो टीडीएस कब कटेगा कब नहीं कटेगा ये कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये जो शीट है, जो ये सैलरी की शीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आपने ये सैलरी की शीट बनाई हो। अगर आपने ये सैलरी की शीट नहीं बनाई होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर, ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आनंद कुमार मौर्य जी का क्वेश्चन है, सर प्रोप्राइटर सैलरी अपने बिजनेस से ले सकता है क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो सब कुछ आपका है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सब कुछ आपका है तो प्रोप्राइटर सैलरी नहीं लेता है। प्रोप्राइटर का सारा प्रॉफिट होता है तो वो अपने बिजनेस में सैलरी की एंट्री नहीं डालता है। हाँ, वो बात अलग है, अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपनी सिस्टर को वो सैलरी दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन वो खुद सैलरी नहीं डालता है। हर एक एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना होता है। कैसे कटेगा टीडीएस ये ध्यान रखो। अगर किसी व्यक्ति को उसने, मान लो यहाँ पर एक मोहन है, मोहन को उसने सैलरी दी 3 लाख, तो मोहन को जब उसने सैलरी दी 3 लाख, तो आज की डेट में 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नील है। तो जब उसकी टैक्स लाइबिलिटी ही नील है, अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी ही नील है तो यहाँ पर टीडीएस का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लेकिन आपको ये सैलरी रजिस्टर बनाकर, ठीक है ना, चाहे आपकी सैलरी का टोटल खर्चा 50 लाख है, लेकिन आपको सैलरी रजिस्टर बनाकर ये इंडिविजुअल चेक करना है कि रामलाल को कितनी सैलरी दी, मोहन को कितनी सैलरी दी, वैशाली को कितनी सैलरी दी, सोनू को कितनी सैलरी दी, युगल शुक्ला को कितनी सैलरी दी, अर्चना जैन को कितनी सैलरी दी। तो ये वाला बात क्लियर हो गई। सैलरी एक्सपेंसेस अगर आपका किसी बिजनेस में डला हुआ है तो वहां पर आपको टैली में, बिजी में, एक हेड में सिंपल लिखा होगा 20 लाख 50 लाख, लेकिन इससे ये कभी क्लैरिफाई नहीं होगा कि भाई आपने इंडिविजुअल व्यक्ति को कितनी सैलरी दी। तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति को कितनी सैलरी दी वो सिर्फ इस रजिस्टर से ही शॉर्ट आउट हो सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा जो सैलरी पर दूसरी चीज चेक करनी होती है वो चेक करनी होती है ईएसआई और पीएफ। अगर आपको पता हो कि अगर आपकी कंपनी में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पर्सन होते हैं तो वहां पर ईएसआई पीएफ भी एप्लीकेबल होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप सैलरी रजिस्टर बना रहे हो तो ये चेक कर ले कि भाई कंपनी के अंदर वो लिमिट्स क्रॉस तो नहीं कर गई, और अगर वो क्रॉस कर गई है तो क्या हमने ईएसआई पीएफ के अंदर एनरोल करा रखा है या नहीं, और अगर नहीं करा रखा है तो आप ईएसआई पीएफ भी चेक कर ले। अब होता क्या है कि जो कुछ लोग सैलरी की एंट्री डाल रहे होते हैं तो कई बार वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को सैलरी दिखा देते हैं, अपनी मदर को सैलरी दिखा देते हैं, फादर को सैलरी दिखा देते हैं, ठीक है, ब्रदर को, जिस भी रिलेशन में सैलरी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आप सैलरी किसी की चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें वहां पर आपको लग रहा है कि ये नाम, ठीक है ना, प्रोप्राइटर से, पार्टनर से जाना पहचाना है, डायरेक्टर का है, किसी चीज का है, तो आपको एक चीज और चेक करनी है, ठीक है ना, वो चीज है, ठीक है ना, सेक्शन 40A2। इस सेक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपको थ्रू आउट पीएनएल चेक करना है, सेक्शन 40A2। सर इस सेक्शन में क्या चेक करना है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हो सकता है कि तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट 50 लाख रुपए आ रहा हो और तुमने क्या करा, इस 50 लाख रुपए प्रॉफिट पे तुम्हें पता था 30% टैक्स लग जाएगा, तो आपने क्या करा, ठीक है, 10 लाख रुपए की सैलरी वाइफ को दे दी, 10 लाख रुपए की सैलरी मदर को दे दी, और 10 लाख रुपए की फादर को दे दी, 10 लाख की ब्रदर को दे दी। इस तरीके से करके आपने अपना प्रॉफिट कम कर लिया हो, ऐसे चांसेस है। तो वो कहते हैं कि जब भी कभी कोई पीएनएल में खर्चा डलेगा तो हमारे को सेक्शन 40A2 को चेक करना होगा। सर ये 40A2 है क्या, जरा इसे ध्यान से नोट करके लिखो। 40A2 बात करता है एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी।
ठीक है, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर तुम्हारा कोई अनरिलेटेड पार्टी है, अगर तुम्हारा कोई अनरिलेटेड पार्टी है, मतलब कि लेट सपोज करो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, तो मैं अरविंद अरोड़ा जी को, मैंने अरविंद अरोड़ा जी को सैलरी पे कर दी, सैलरी पे मैंने कितनी कर दी, साल की 20 लाख रुपए की सैलरी पे कर दी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर तुम सैलरी की अरविंद अरोड़ा जी को साल की 20 लाख की सैलरी पे कर रहे हो, तो सबसे पहले बस हम ये चेक करेंगे कि TDS डिडक्ट है या नहीं है। अगर आपका TDS डिडक्ट है और डिपॉजिट आपने कर रखा है, हम ज्यादा छानबीन में नहीं जाएंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि भाई ये अरविंद अरोड़ा जी आपके रिलेटेड है क्या। मैंने कहा नहीं, मेरे तो कोई रिलेटेड नहीं है, ये अनरिलेटेड है। तो वो कह रहे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बिजनेस, तुमने 20 लाख की सैलरी दे दी, बात खत्म। लेकिन अगर ये अरविंद अरोड़ा जी तुम्हारे रिलेटेड पर्सन निकल आते हैं, तो वो कहते हैं कि रिलेटेड पर्सन में हम फर्दर चेक करेंगे कि ये जो सैलरी डाली गई है ये बिजनेस की नीड थी या नहीं थी। अगर ये बिजनेस की नीड नहीं थी, आपने ऐसे ही उन्हें बुलाया और कहा कि बस ऑफिस में बैठ जाना और मैं तुम्हें 20 लाख सैलरी दे दूंगा, तो डेट इज सैलरी कॉल्ड अनरीजनेबल सैलरी या एक्सेसिव सैलरी, ठीक है ना। और हमने चेक करा कि अरविंद अरोड़ा जी वाज नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कि वो उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन थे ही नहीं, ठीक है ना। अरविंद अरोड़ा जी जो काम करा करते थे, वो लेट सपोज करो कि सिर्फ ऑफिस के अंदर कंप्यूटर में एंट्रियां डाला करते थे, और कंप्यूटर में एंट्री डालने वाले की सैलरी 20 लाख रुपए साल नहीं हो सकती। क्योंकि अरविंद अरोड़ा जी रिलेटेड पर्सन थे मेरे, इस वजह से मैंने ये सैलरी उन्हें दी। तो इनकम टैक्स कभी भी जो भी खर्चा P&L में डलता है, तो वो सबसे पहले कहता है कि लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ले आओ। और अगर आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करेंगे, तो वहां पर भी हमें रिलेटेड पार्टी की डिटेल डालनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये लोग पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है कि जब आपने कोई भी खर्चा P&L में डाला है, तो पहली बात वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। उस एक्सपेंसेस की बिजनेस को नीड होनी चाहिए, और आप उसे मार्केट रेट पर ही पे करें। अगर आपने उसकी जो पेमेंट है वो मार्केट रेट से ज्यादा करी, तो वो खर्चा कभी भी असेसिंग ऑफिसर 40A2 में डिसअलाउड कर देगा। तो आपको ये वाला 40A2 क्लियर हुआ है या नहीं, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें।